मेरे को तो एक मन से डर लग रहा था कि अनजान व्यक्ति है, कैसे पेमेंट करे, लेकिन मैंने विश्वास करके कर दिया। तो उन्होंने इतना फास्ट प्रोसेस किया कि 24 घंटे के अंदर मेरे हाथ में आपसे आईडी मिल गया। 5 लीटर का मैंने ऑर्डर किया था। नमस्कार, मैं भागीनाथ हरिभाऊ सोनवणे, अंदरसोल, जिला नासिक, महाराष्ट्र। मैं एमवे का एक प्रोडक्ट है एप्स आई टी, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बोतल आप देख सकते हैं, एप्स आई टी एमवे कंपनी का, जो हर फसल के लिए फायदेमंद है। हमने प्याज के लिए इस्तेमाल किया। ये प्याज हमको दिखा रहे, आपको दिखा रहे, अभी हार्वेस्टिंग के लिए इसको 20-25 दिन बाकी है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, मैं खास से आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, एमवे कंपनी का एप्स आई टी, आप यूट्यूब चैनल पे एप्स आई टी डालकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। जो नाम आएगा दुर्गेश कुमार मौर्य, जिन्होंने मोबाइल नंबर भी डाला है उसमें, मैंने भी पहले ये वीडियो देखा यूट्यूब चैनल पे। तो दुर्गेश कुमार जी का एक वीडियो था जिन्होंने मोबाइल नंबर डाला था, मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया और उनसे पूछा कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको ये कई दुकान से नहीं, कहीं नहीं मिल सकता है, आपको डायरेक्ट कंपनी से ही मंगवाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा वो कैसे मंगवाए, तो उन्होंने सारी प्रोसेस मुझे बताई। उन्होंने बोला कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और पार्सल आपके घर पर आ जाएगा, अब से आईटी आपके घर पर आ जाएगा, उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने, मैंने पूछा उसके वो प्रोसेस हमको बताओ। तो मैंने फ़ोन चालू रखा और क्रोम ऐप पर जाके सारा प्रोसेस किया। एक प्रॉब्लम आ गई, मेरा डेबिट कार्ड था तो उसमें वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, उसको परमिशन नहीं थी कि ऑनलाइन पेमेंट की डेबिट कार्ड से। तो उन्होंने बोला कि आपको पेटीएम से पेमेंट करना पड़ेगा। पेटीएम तो मेरे पास था ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि मेरे फोन पे पर पेमेंट डाल दो आप, तो मैं यहाँ से मेरे मोबाइल से पेमेंट कर दूंगा। मेरे को तो एक मन से डर लग रहा था कि अनजान व्यक्ति है, कैसे पेमेंट करे, लेकिन मैंने विश्वास करके कर दिया। तो उन्होंने इतना फास्ट प्रोसेस किया कि 24 घंटे के अंदर मेरे हाथ में आपसे आईडी मिल गया। 5 लीटर का मैंने ऑर्डर किया था। तो धन्यवाद दुर्गेश जी, आपका धन्यवाद मानना चाहता हूँ, आपने बहुत कोशिश की और हम किसानों के लिए आप इतना सारा कर रहे, तो शुक्रिया, थैंक यू।